अस्सलाम वालेकुम, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको शहर में अवैध रूप से लगाई जाने वाली होर्डिंगों के ताल्लुक से एक खबर बता रहे हैं। थाने मनपा के तहत मुमरा प्रभाग समिति ने पिछले 13 नवंबर को एक लिखित शिकायत मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है, जिसमें शहर में अलग अलग स्थानों पर यानी कि मुमरा के हमारे रेती बंदर सर्कल से लेकर के कादर पैलेस तक, जहाँ तक मुमरा प्रभाग समिति की हद है, सीमा है, इस सीमा में अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से बगैर किसी अनुमति के मनपा से, कोई मतलब इसकी अनुमति न लेते हुए लगाई गई इन होर्डिंग, उनके खिलाफ, वो ये होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र संपत्ति विरूपीकरण अधिनियम के तहत जो है उसकी धारा 26 के तहत जो ये मामला दर्ज किया गया है मुमरा पुलिस स्टेशन में। इसमें सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि राज्य में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस भाजपा की महाराष्ट्र प्रदेश महिला अल्पसंख्यक मोर्चा की अध्यक्षा रीदा रशीद के खिलाफ भी जो है अवैध होर्डिंग लगाने का मामला दर्ज किया गया है। रीदा रशीद के अलावा इस लिस्ट में सुल्तान वेडिंग हॉल के लोगों का नाम है, फाल्कन क्लासेस का नाम है, कौसा ऑटो पार्ट्स है, सिद्दीकी बिल्डर्स है, इनके अलावा जो है गर्ल्स पावर जिम अमृत नगर परिसर में चलाई जाती है, शादी महल होटल पे चलाए जाने वाले अर्चित ज्वेल, इसके बाद शादी महल रोड के ही रेडियंस ब्यूटी, कौसा स्टेडियम के पास सिल्वर लॉन और मुमरा पुलिस स्टेशन के सामने लंदन बोल्ट और अमृत नगर में ही चलाए जाने वाले लोड्स शोरूम, इन सबके जो है खिलाफ जो है ये अवैध होर्डिंगें लगाने का मामला थाने मनपा और मुमरा प्रभाग कार्यालय ने दर्ज कराया है। ये शिकायत जो है मुमरा प्रभाग कार्यालय के नवनियुक्त प्रभाग अधिकारी यानी वार्ड ऑफिसर दिनेश गावड़े ने दर्ज कराई है। अब सवाल ये उठता है कि ये होर्डिंगें जिन लोगों ने लगाई थी या कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया था, उनके खिलाफ जो है ये अपराध दर्ज किया गया है। जबकि इस मामले में मुंबई उच्च न्यायालय के यानी हाईकोर्ट के सीधे सीधे आदेश और निर्देश है कि होर्डिंग में जिन जिन नेताओं के फोटो होंगे या जिन जिन लोगों के फोटो होंगे, तस्वीरें होंगी, उनके खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज किए जाए। मगर यहाँ पर थाने मनपा और मुमरा प्रभाग ने सिर्फ होर्डिंग जिन लोगों ने लगाई है, जो आयोजक है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। होर्डिंग में जो चेहरे नुमाया है, जैसे कि राजनीतिक होर्डिंग इसमें एक ही है जो महाराष्ट्र महिला अल्पसंख्यक मोर्चा जो भाजपा की है, रीदा रशीद द्वारा लगाई गई, वो अकेली रीदा रशीद पे वो मामला दर्ज किया गया। होर्डिंग में जो शामिल नेतागण है उनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया, बाकी के सारे होर्डिंग जो है व्यावसायिक है। बहरहाल शहर में इस शहर की सत्ताधारी पार्टी के बरस के 365 दिन और महीने के 300 दिन कितनी होर्डिंग्स लगती है और कितनी नहीं, ये सारा शहर जानता है, लेकिन अब तक मुमरा प्रभाग उनके खिलाफ क्यों मामला दर्ज नहीं कर पाई, ये सवाल अपनी जगह कायम है। थाने मनपा और मुमरा प्रभाग कार्यालय द्वारा मुमरा कौसा परिसर में अवैध रूप से बिना अनुमति के लगाई जाने वाली होर्डिंगों के खिलाफ, इन होर्डिंगों को लगाने वालों के खिलाफ मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए मामले की विस्तृत जानकारी, जिसमें महिला नेता जो कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की महाराष्ट्र अध्यक्ष रीदा रशीद, उन पर भी मामला दर्ज किया गया, ये पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी ये खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।